And I can tell you, you should know, remember, you should understand that thing कि आज से 15-20 साल से पहले, 15-20 साल, 25 साल से पहले, हजारों सालों से दुनिया में सारे बेबीज नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं. बट वी हम एक आई एम सॉरी टू टेल यू, हम एक ऐसे अबनॉर्मल मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए जो है ना वो हम ये सजेशन दे देते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चॉइस. मैं आपको बता रहा हूँ डिलीवरी और प्रोसेस जो है पोस्टमार्टम का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एट दैट टाइम. कुदरत बॉडी, मॉम की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, हार्मोन्स तैयार कर रही होती है, उसने एक जबरदस्त किस्म का पुश क्रिएट करना होता है उसके मसल्स ने. ओवरी के मसल्स आर वेरी, दे आर नॉट लाइक मस्कुलर बाइसेप ट्राइसेप मसल्स जो धक्का मार देंगे पुश कर देंगे. आई मीन वो हार्मोन्स उनको स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं. दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम टू प्रिपेयर दैट वंडरफुल एक्टिविटी, लाइफ गिविंग एक्टिविटी है उसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है. एंड देन यू नो क्या होता है, खासतौर पर जो फर्स्ट बेबी, खासतौर पर जो यंगर nowadays, जो हमारे most of the cases में होता है, आप सुना होगा हर दूसरे, because of the mom, और because of the, और मैं negative intentions की बात नहीं कर रहा, is positive reasons की बात. प्यार होता है ना अपनी बेटी से, mom को ज्यादा प्यार होता है, तो baby उसको लगता है कि पता नहीं खुदा ना खासा काउंसलिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर काउंसलिंग ना होने की वजह से, पता नहीं खुदा ना खासा कितनी की पेन आने वाली है, यानी कितनी की ट्रबल जो है ना वो मुझे आने वाली है, एंड डॉक्टर्स के अच्छे से काउंसिल ना करने से. और एक और भी इसमें फैक्टर होता है, एक्सरसाइज में बताऊंगा उसका क्या ताल्लुक है. तो उसकी वजह से शी इज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक अ डिसीजन, शी वॉज स्केर्ड अबाउट द पेन एंड ऑल दिस. तो हस्बैंड को भी प्यार होता है पहली दफा तो ज्यादा ही होता है शुरू शुरू में, he was worried as well कि भी मेरी वाइफ को तकलीफ ना हो या उसको पेन ना हो. ही लुक फॉर द अल्टरनेट चॉइसिस जिसमें पेन नहीं होती है. एंड एट द सेम टाइम जो लड़की की फैमिली होती है, देर ऑल्सो लाइक इफ द किसी की डॉटर आई मीन चाहे पॉजिटिव रीजन से भी पेन में है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली टू बियर विदाउट, दे विल ट्राई टू डू थिंग्स, एंड स्पेशली इफ द मॉम इज नॉट वेरी मच ब्रेव एट दैट टाइम, अगर उसको काउंसिल नहीं किया गया हो इस वक्त अच्छे से. मैं वो कहता हूँ उसकी कई रीजन हो सकती हैं. तो डॉक्टर्स हमारे में सारे नहीं, बहुत सारे नहीं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं इस सिचुएशन को, इस इमोशनल प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हैं, दे गिव देम अ रिलीफ. एंड व्हाट इज द रिलीफ, ऑपरेशन करा लें. अभी 10 मिनट की बात है, it is really easy, but aap imagine karein ki there is a physiological activity going on jisme bahut sare hormones involved hain, you just stop it right in the middle. Aapne right in the middle stop kiya, abdomen ko aapne open kiya c section ki madad se, aapne ovary ko kaata aur usme se baby ko amniotic fluid ke andar se nikal ke umbilical cord kaat ke aapne baby separate kar diya from the mom's body, and you have manually removed all the material out there. Now think about that, वो जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हार्मोनल फंक्शंस की वजह से होनी थी और बॉडी जो प्रिपेयर, वो सब हॉल्ट हो गया, एंड दैट एक्चुअली कॉज लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द मॉम इन द अपकमिंग डेज. एक तो वो वुंड हीलिंग का प्रोसेस विल टेक लाइक कपल ऑफ वीक्स टू हील, तो वो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो अपनी जगह पे है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपने गौर किया होगा या आपको आप मॉम दे हैव लाइक इंक्रीज, उनका वेट बढ़ जाता है, उनको और बहुत सारे एसोसिएटेड ट्रबल्स होते हैं इसकी वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग में उनको इश्यूज होते हैं, बिकॉज वो एक सीक्वेंस के बाद स्टार्ट होना होता है ना, यू जस्ट स्टक इट एंड देन विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स यू पुश वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट होते हैं. तो ये वो सब चीजें हैं जो हमें अच्छे से काउंसिल करनी चाहिए मॉम, और आपको समझना होगा ये बात सब लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, यानी कि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है. ज़ाहिर है मॉम जैसे किसी और तरह एक्सपीरियंस करती है, फादर इसे किसी और तरह एक्सपीरियंस करते हैं, दैट जब लेटर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है ना, लेटर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है, fetus is growing like enormously very fast as compared to the mom. Fetus bahut tezi se grow kar raha hota. At that time, whatever the mom is eating, jo bhi food resources hai, iske upar do logon ki ladai ho rahi hoti hai. Do bodies iske upar tasarruf karne ke liye try to capture that resource. Mom ki body bhi chahti hai ki mujhe food mile, and baby ki body bhi chahti hai. And the baby's body is winning that war comfortably. You know why? Maine bhi bataya baby ki body ko kuch bhi nahi karna. मतलब उसको चिल करना सुबह उसको, ना उसको किडनी का काम करना, ना लंग्स को. बेबी की बॉडी जो है वो बड़े आराम से कुछ सक करती है मॉम से बहुत ज्यादा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाटएवर द मॉम इज ईटिंग एट दैट टाइम, यूजुअली एट द 8 मंथ्स ऑफ 9 मंथ्स एट दैट टाइम, ऑल द फूड एक्चुअली मोस्ट पार्ट ऑफ दैट फूड इज एक्चुअली एंडेड अप इन टू द बेबी. और इस आखिरी 1-2 महीने में द बेबी ग्रोज लाइक आई मीन अ लॉट एट दैट टाइम. दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ गुड थिंग इफ द mom's resources is diverted towards the baby and baby is growing faster than normal.
उसका वेट बढ़ जाता है एंड यूजली डॉक्टर प्रिडिक्ट के या बच्चा बड़ा है यू नो स्टार्टेड मेकिंग द माइंड ऑफ द मॉम द वेट इज बेबी बड़ा वेट उसका वेट वो मॉम खुश हो रही होती है अब्बा भी खुश हो रहा होता है दादा अबू भी खुश हो रहे होते हैं हमारा पोतरा जो है ना वो बड़ा साइज है वो बड़ा है इट्स अ नाइस थिंग बिकॉज़ अ मिसकैलकुलेशन यू हैव डन बाय योर डॉक्टर एट दैट टाइम कि रिसोर्सेज ज्यादा चले गए वो माइंडसेट बना रहे होते हैं कि भी हमें शायद सर्जरी की तरफ जाना पड़े यू नो बेबी का साइज या बेबी की पोजीशन ऐसी है वो शायद नीड टू गो टू द सर्जरी दीज आर द कॉमन थिंग्स यू माइट रिमेंबर एंड रिकॉल द प्रॉब्लम इज दैट हम मॉम को सिखाते हैं और शायद उनकी अपनी फैमिली की तरफ से भी तू Now you are pregnant, तू करना कुछ नहीं है oh, it's very, now you are like us, you're queen of the world now, na? You just need to eat, अपने husband का भी सिर खाना है और वैसे भी खाना है और बस खा ही जाना you, you don't have, you know, most of them, they do not like, they used to sit at one place and just eat. करेंगे आपकी वॉइस में सुन लेनी है रिकॉर्डिंग. Lot more energy. So, तो मिथ है वो आपने ब्रेक करनी है वो अपने अकल से ब्रेक करनी है कि गिविंग बर्थ इज अ नेचुरल नॉर्मल एक्टिविटी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटी है इसका मतलब ये है कि हम अपने फिजिकल वर्कआउट को मेंटेन रख सकते हैं थ्रू आउट और खास तौर पर आखिरी तीन मंथ्स में और लास्ट टू मंथ में खास तौर पे यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एक होता ना ये ऐसे ऐसे वाला नहीं वेरी एक्टिव इतना दौड़ यानी कि जितना ऑलमोस्ट लाइक यू आर रनिंग यू शुड वॉक इन दिस वे You should work very hard. आपको हाउस कोर्स करने चाहिए आपको घर में सारे काम करने वो लोग समझते हैं कि ये इंतहाई बड़ी बहुत बड़ा रिस्क है जो मॉम्स उस वक्त लेती हैं बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस एंड लेस काउंसलिंग दैट शी डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज व्हेन शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग द रिसोर्सेज विल बी डिवर्टेड टू द वन बेबी इफ शी इज डूइंग इफ शी इज वर्किंग इफ शी इज लाइक वर्किंग आउट एंड मूविंग देन शी विल गोइंग टू क्लेम द रिसोर्सेज एज वेल तो बेबी को एप्रोप्रिएट एडिकेट रिसोर्सेज मिलेंगे शी विल नॉट गोइंग टू ग्रो मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड नेचुरली एट दैट सारा बेड़ा गर्क तब होता है जब द मॉम्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग ईटिंग अ लॉट एंड एवरीथिंग इज एंटरिंग इनटू द बेबीज बॉडी और वो ग्रो कर जाता था अदरवाइज नेचर के तरीके से अगर आप रहे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में पोचा लगाते हैं झाड़ू फेरते हैं नेचुरली एज ए वाइफ एज एज नेचुरली रूटीन में करते हैं यू शुड कैरी ऑन दिस थिंग During the pregnancy as well, ताकि आप natural conditions में उसको natural जो available resources हैं वो share करें. You should work out a lot. मतलब आखिरी महीने में should be serious workout you need to. आप रहानों के जो मैं आपको बता रहा हूँ, but that is this is a scientist telling you that you need to work hard at that time. You need to, if you are a husband, you need to push your wife to walk a lot. और अच्छा खासा walking, पसीने वाली तेज तेज वाली walk. You will see no problem with the baby's movement at all. वो जो बेबी की मूवमेंट होती है दैट इज वेरी नेचुरल बेबी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है इधर से उधर से उधर से यू मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक वेरी नेचुरल एक्टिविटी व्हेन यू आर नॉट मूविंग एट ऑल यू नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू वर्क आउट सो एट दैट टाइम यू आर एक्चुअली स्टकिंग योर बेबी एट वन प्लेस एंड दैट यूजुअली कुछ हम पुश भी करेंगे तो इट माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर कंफर्टेबली तो हमें एंड यू नो 10-15 मिनट की बात होती है मेक अ डिसीजन करने में बहुत पेन हो रही है एंड देन यू शुड डॉक्टर शुड काउंसिल यू शुड ट्राई टू लर्न के Actually, are you natural phenomena? How much pain is out there? Itni kya? And you think about, you can start working and start doing your thing after a few hours. If you deliver the baby naturally, you will not going to be dependent on any person if you deliver your baby naturally. You can go to the restroom and other things you can by yourself. That is special. That is, and why not? You should put yourself in little bit of pain as compared to the. To that, to get the results, like you are all fine next day and the next day, and the hormonal actions will going to trigger the breastfeeding mechanism as well, and it will going, you know, our body is activate करती है और फिर उसको reverse करती है the delivery के बाद. All is set. It needs to clear out a lot of things, and also it needs to release a lot of material, जो unwanted material है, prepare the ovary for the next round and establish the normal hormonal balance after that. And trigger the mammary glands to start producing the milk. And a lot of things. Then that, जब आप उसको halt कर देते हैं, you actually disturb a lot. And one more suggestion. I don't know. ये molecular immunology class कितनी चाह रही है? You are already smart enough. Understand the last thing that evolution actually took us here, where we are. हमें evolution यहाँ पे लेकर आई है ना? हम evolution के रास्ते को और natural रास्ते को जो है, वो कभी भी compromise नहीं कर सकते हैं with artificial means. आर्टिफिशियल मीन्स हैं जान बचाने के लिए ये जान बचाने की एक्टिविटीज होती है मतलब मैं सर्जरीज के खिलाफ नहीं हूँ देर आर सर्जरी विच मस्ट है जो मॉम की जान बचा देती है उस वक्त लेकिन हम अपने सोसाइटी को भी जानते हैं
हम अपने लोगों को भी जानते हैं, हम अपने पैसे कमाने की हिर्स को भी जानते हैं, हम अपने सच और झूठ के लेवल को भी जानते हैं. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स ये अनफॉर्चुनेट है कि इट्स अ वेरी सेफ टाइप ऑफ यू नो सर्जरी, वेरी सेफ सर्जरी ना डॉक्टर्स के लिए कि भी अभी 15 मिनट में सर्जरी हो जाएगी और अगले 3 दिन ये हमारे पास रहेंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का बिल बन जाएगा, वी आर ऑल चिल. एक जूनियर डॉक्टर भी कर देगा हॉस्पिटल जिसका भी है. अदर देन दैट नॉर्मल सर्जरी में क्या करना होगा, द डॉक्टर नीड्स टू स्पेंड टाइम विद द मॉम, उसको बताना होगा कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ये करो, हाउ मच एंड हाउ द पेन यूजुअली, उसको बताना पड़ेगा कि किस किस्म की पेन आएगी और किस तरह से आएगी. इसके ये पीरियोडिक पेन होगी, इसके दरमियान में गैप्स कम होते चले जाएंगे, हाउ यू फील. आप जितना अच्छा काउंसिल करेंगे ना द मॉम इज, मैं इतना हैरान होता हूँ यार, मैं आई वाज सो फीलिंग बैड के यार ये टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं जापान वाले, ये कोरिया वाले बहुत आगे हर लिहाज, सर्जरीज करने में भी हमसे बहुत एडवांस है, वो क्यों नहीं करते सर्जरीज. पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रेडी है, मतलब मॉम को प्रेग्नेंट मॉम आ गई बस सर्जरी आ गई. वी शुड, अगर आप डॉक्टर हैं तो इस बात का ख्याल कीजिए कि डॉक्टर का जॉब पेशेंट के लिए बेहतरीन मशवरा देना है. देयर आर टाइम्स व्हेन सर्जरी इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू सेव द लाइफ ऑफ द मॉम, ये सिर्फ उसी वक्त की जाए और हमें मालूम हो कि डॉक्टर जो है ना इसको सिलेक्ट कर रहे हैं टू सेव द लाइफ ऑफ द मॉम और द किड.